नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे undiayurved.com की आज के इस यूट्यूब वीडियो में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेद में हमें क्या क्या समाधान बताए गए हैं, क्या क्या नुस्खे बताए गए हैं, और हम इजीली घर पे बैठे इनका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए अपडेट्स का पता लगता रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किडनी की प्रॉब्लम्स, पीलिया, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स या फिर अगर पथरी है तो। इसमें मूली के काफ़ी अच्छे प्रयोग हैं और मूली काफ़ी इफेक्टिव है इसमें। तो क्योंकि मूली एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, पाई जाती है, खाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, तो इस टॉपिक पे आज का हमारा डिस्कशन होगा। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि मूली के क्या प्रयोग हैं और कैसे हम इससे इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जान लेते हैं क्या प्रयोग हैं। गुर्दे और मूत्राशय और पित्त की पथरी अगर है तो मूली में क्षारता इतनी ज्यादा होती है कि पथरी को गला लेती है। पत्तों सहित मूली का रस निकालकर एक गिलास रस में एक नींबू, चौथाई चम्मच काली मिर्च मिलाकर नित्य पिए। मूली लंबे समय तक, जितनी समय तक हो सके, जब तक मिलती रहे तब तक इसका सेवन करते रहें। मूली व इसके पत्तों में पथरी को निकालने के गुण विद्यमान होते हैं और आपको इसका लाभ जरूर मिलना चाहिए। और गुर्दे यानी किडनी की अक्षमता में या फिर पेशाब बंद होने में इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। मूली का रस आधा कप हर 2 घंटे पर पिलाएं, पेशाब खुलकर आएगा और जलन भी दूर होगी। और किडनी दोष, गर्मी, कब्ज के कारण मूत्र आना बंद हो जाता है, आधा चम्मच मूली के बीज पीसकर एक गिलास पानी मिलाकर चौथाई कप मूली का रस मिलाकर छानकर 3 बार पिलाएं, पेशाब खुलकर आने लगेगा और जलन भी दूर होगी। और पेशाब अगर बंद हो जाए तो उसमें मूली के पत्तों के 50 ग्राम रस में 1/4 चम्मच सोडा बाइकार्बोनेट मिलाकर पीने से मूत्र का अवरोध नष्ट होकर मूत्र खुलकर आने लगता है और मूली खाने से पेशाब खुलकर आता है। और प्रोस्टेट की अगर प्रॉब्लम है तो 2 कप मूली के रस में 3 चम्मच शहद मिलाकर नित्य प्रातः पिएं, इससे पौरुष ग्रंथि की सूजन कम हो जाती है और मूत्र की रुकावट भी दूर होती है। पीलिया अगर है तो मूली के पत्तों और टहनियों का रस 50 ग्राम लेकर इसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर प्रातः खाली पेट पीने से सब प्रकार के पीलिया में लाभ होता है और इससे 1 सप्ताह के भीतर पीलिया रोग दूर हो जाता है। और मूली की गंध से अगर प्रॉब्लम है तो आप मूली के सेवन के बाद अगर गुड़ का सेवन कर लें तो इससे आपको डकार नहीं आएगी या फिर अगर कोई गंध आ रही है तो वो भी आपको फील नहीं होगी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रयोग है मूली के, बहुत इजी हैं, बहुत चीप हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप ये जरूर करके देख सकते हैं, आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आप ये जरूर करें और आपके जो प्रियगण हैं उनके साथ भी जरूर शेयर करें, और आपके कोई फीडबैक कमेंट्स आदि हैं तो वो हमारे साथ जरूर शेयर करें।